महात्मा जी पैदल जा रहे थे, पुराने जमाने की बात थी, आने जाने के साधन कम थे, तो वो आ रहे थे तो उन्होंने भूख भी लगाई, पैदल चले थे, सुबह 4 बजे उठ करके दूर जाना था। उन्होंने देखा रास्ते में किसान खेत में हल जोत रहा है, वो वहाँ पर रुक गए थोड़ी देर के लिए कि चलो कुछ देर यहाँ सुस्ता लेंगे, पानी पी लेंगे। इतने देर में किसान की रोटी घर से आ गई, उनकी पत्नी रोटी लेकर के पहुँच गई, और वो पहुँच गई तो किसान ने भी अपना हल छोड़ दिया और वहाँ आकर के छाया में बैठ गए। खाना खाने से पहले किसान ने पूछा, महाराज आप भी 2 रोटी खा लो, सुबह से बहुत देर से चले होंगे इसलिए भूख लग रही होगी, अब तो थोड़ा सा खा लो, फिर गांव में जा करके पूरा भोजन कर लेना। इसने थोड़ा औपचारिकता करते, भूख तो लगी थी महात्मा जी को, किंतु सीधा ये नहीं कहा कि हाँ खा लूँगा। उन्होंने कहा कि भाई तुमने मेहनत की है, तुम हल जोत रहे हो, इतना सारा काम किया, तुम्हारी रोटी मैंने खा ली तो मुझे पाप लगेगा, तुम करो अपना। नहीं, बोले मेरे लिए बहुत है, 2 रोटी तो खा ही लो। कहा तो इन्होंने खा लिया, अब ये बड़े खुश संतुष्ट हुए, खूब लस्सी पी ली, ऊपर से पानी पी लिया, पेट एक तरह से थोड़ा सा भर गया और उनको बड़ा आराम मिला। महात्मा जी जब चलने लगे, उनको याद आया कि भाई इतना उपकार किया किसान ने, इसके लिए मुझे भी कुछ भेंट देनी चाहिए। तो वो महात्मा जी कहते हैं कि मैं आपको एक ऐसी घंटी दे के जा रहा हूँ, ये घंटी बड़ी कमाल की है, जब चाहोगे इस घंटी से तुम्हें मन चाहे चीज़ें मिल जाया करेंगी। उस किसान ने कहा कि ये तो अच्छी बात है, चलो। बोले तुम्हारे जो उपकार है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर आज तुम्हारा ऋण चढ़ गया, और उसके यही कि भाई ये एक ऐसी चीज़ है मेरे पास, ये रख लो। जब वो चले तो वापस मुड़ के आके कहते, इसका एक गुण है इसका घंटी का, वो ध्यान रख के बजाना इसको, कि जब इसको तुम बजाओगे और तुम इससे कुछ मांगोगे तो तुम्हें एक मिलेगी तो पड़ोसियों को 2-2 चीज़ें मिलेंगी, ये ध्यान रख के बजाना, बाकी सब ठीक है। ये समझ गया कि हाँ बात तो बड़ी खतरनाक है, अगर मेरे से पीछे ये घंटी बजा दी और पड़ोसियों के घर भर जाएंगे, हमारे एक आएगी तो उनके 2-2 गाय आ जाएंगे, एक गाय मांगोगे तो उनके 2 गाय जाएंगी, तो बड़ा। अब ये आदमी तो बड़ा ईर्ष्यालु किस्म का था, इसलिए इसने सोचा सावधानी से प्रयोग करनी पड़ेगी घंटी। पत्नी को कह दिया इसको ताले के भीतर रख देना, मेरे से बिना पूछे कभी बजा मत देना, जब कोई बजानी पड़ेगी तो फिर सलाह करके ही बजाएंगे इस घंटी को। बोले ठीक है। बरसात का मौसम आया, खूब बरसात हो गई, ईंधन भीग गया, सब कुछ हो गया, किसान खेत में अपना काम कर रहे थे और रोटी लेकर के देवी जी आई नहीं, देर हो गई, तो ये बड़े परेशान हो रहे थे कि क्या हो गया पता नहीं, आज तो 11 बज गए, 9 बजे रोटी आ जानी चाहिए थी, खा लेते तो इंतजार कर रहे थे। इतनी देर में पत्नी दिखाई दी तो उनको लगा नहीं कि हमारी पत्नी तो ये नहीं लगती। इधर पत्नी ने सोचा ना तो ईंधन है, ना उपले है, ना कुछ भी है, गैस उन दिनों होती नहीं थी, क्या करूँ। तो आखिर हार के उसने सोचा क्यों नहीं घंटी का ही आज परीक्षण करके देख लें, या यूं ही लोहे का वो रख रख कर, अगर मिलता हो तो इसी से आज भोजन मांग लेते हैं, बढ़िया बढ़िया, क्योंकि कौन आग जलाएगा, धुआं इतना होगा, गीला पड़ा है सब कुछ। हिम्मत करके पति देव को तो राजी कर लेंगी, ज़्यादा नाराज होंगे तो कोई नहीं मना लेंगे। अब इन्होंने वो पानी वानी डाल के और घंटी से कहा, हे घंटी देवी, हमारे यहाँ तो मालपुए आ जाए, हमारे यहाँ खीर आ जाए, ये आ जाए, कई बढ़िया बढ़िया पकवान मांगे, बरसात के मौसम में तली हुई चीज़ें खाने की व्यवस्था बताते हैं वैद्य लोग कि तली हुई चीज़ें खानी चाहिए, पित्त की वृद्धि ना होता कि। और फिर साथ में सोचा मांग ही नहीं तो फिर कसर क्या छोड़नी है, नहीं तो वो फिर तो कभी मांगने नहीं देंगे, अपने लिए भी कुछ वस्त्र, कुछ जेवर और कई चीज़ें बढ़िया बढ़िया मांग करके उस दिन सारी पूर्ति कर ली। अब इन्होंने तो कर ली, परंतु पड़ोसियों के तो बड़ा भारी तामझाम जम गया, इन्होंने एक जेवर मांगा तो वहाँ डबल गया, एक साड़ी मांगी तो 2-2 साड़ी पहुँच गई, सब हो करके ये सामान लेके चली, नए कपड़े पहन रखे, नया बढ़िया जो भोजन का पात्र था बड़ा वो सारा। अब ये सोचे ये कौन है पता नहीं, हमारे घर से तो ऐसी है नहीं, उनके ऐसे कपड़े भी नहीं थे, ये सब कुछ कौन है। नज़दीक आई तो थोड़ी चाल ढाल से आभास हो गया कि है तो हमारी धर्मपत्नी, किंतु इसको संदेह हो गया कि ये सब सामान कहाँ से आया, लगता है घंटी बज गई। और जब वो नजदीक आ गए तो उसने आके प्रस्ताव रखा, आज आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, ऐसा भोजन लेके आई हूँ, मौसम के अनुकूल भोजन है, मालपुए हैं, खीर है और पता नहीं क्या क्या पकवान, आपके इलाके की जो चीजें बढ़िया होंगी आप जानते, दाल बाटी चूरमा या आचार्य जी खिलाते और बहुत सारी चीजें। तो अब इनको ये सिंह चीजों से कुछ नहीं, गुस्सा अंदर इतना था कि तुमने ये एक बात बताओ, हमारे घर में ना तो मालपुए बनने का कोई ढंग था, ना कुछ और सब कुछ था, ये तुमने कपड़े पहन रखे ये कहाँ से आ गए, ये हाथों में जेवर कहाँ से आ गए, क्या तुमने घंटी तो नहीं बजा दी,
इसने कहा बजा तो घंटी दी और कहां से लाती इतना सामान, ईंधन तो गीला पड़ा था, मैंने तो घंटी बजाई है। बोले तूने तो सत्यानाश कर दिया, उठा इस भोजन के सारे सामान को सिर पर, वापिस चल, घंटी मैं बजाऊंगा कैसे बजती है। बोले भोजन तो कर लो। बोले बिल्कुल नहीं भोजन करूंगा। वो तो बिल्कुल ईर्ष्या से जले रहते थे और वापिस आ गए और घर आकर के फिर पानी छिड़क करके बोले हे घंटी देवी, हमारे घर के सामने एक गड्ढा खुद जाए 10 फुट गहरा। गड्ढा खुदवा लिया अपने घर के सामने तो पड़ोसियों के तो डबल। अब घंटी के तो दोनों सिद्धांत, अच्छा लोगे तो भी डबल और बुरा लोगे तो भी डबल। वहां 2 गड्ढे खुद गए और फिर कहते मेरी एक आंख फूट जाए, अपने एक आंख फुड़वा ली तो पड़ोसियों की दोनों तो, और आखिर में कहते अब मैं लेट लगा करके निकलू, हमारे सारे सदस्य घर से बाहर जाएंगे तो लेट के निकलेंगे अपन, और खुद लेट के निकले तो एक आंख तो काम कर रही थी, गड्ढे से बच के निकल गए और पड़ोसी सारे के सारे गड्ढे में गिर गए। फिर कहता देखा ये होता है घंटी बजाने का तरीका, तुमने क्या घंटी बजाना सीखी। इस प्रकार का आज स्वभाव पूरे मानवता के अंदर हम देखते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या की डांट, ईर्ष्या की आग से हर व्यक्ति जला फिरता। किसी का बच्चा योग्य बन गया, पड़ोसी को परेशानी होती। किसी के घर में अच्छी आमदनी बढ़ गई, पड़ोसी को परेशानी होती है। किसी का बच्चा शिक्षा में बहुत अच्छे स्थान पर चला गया, पड़ोसी को परेशानी होती है। We'll be right back.